खकराहा में गंडक नदी पर बने पेंटूल पुल का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण चार पहिया वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। नतीजन दियारे में खेती और गेहूं की फसल की दबनी प्रभावित हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। विभागीय मातहतों के प्रति स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि बीते दो दिन पहले गंडक नदी की जलस्तर में वृद्धि होने के बाद पेंटूल पुल का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक इस घटना से दियारे में किसान परेशान हो गए और ट्रैक्टर थ्रेसर का परिचालन पेंटूल से होकर संभव नहीं रह गया, जहां गेहूं दबनी को दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे में किसानों के सामने भारी मुसीबत आ खड़ी हुई है। किसानों ने पेंटूल कर्मियों पर उदासीनता का आरोप लगाया है। इस किसान ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिसंबर महीने में पेंटूल पुल जगीरहा में सामने अव्यवस्थित अवस्था में लगाया गया था। पेंटूल लगाने के दौरान उचित स्थान चिन्हित नहीं होने के चलते पेंटूल पुल पर आवागमन शुरू से परेशानी होते आया है। अब जबकि नदी में जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई तो अप्रोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रेलर वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। बीते दो दिनों से किसान परेशान हो रहे हैं। दियारे में गेहूं की दबनी एक बड़ी समस्या बन गई है। गौरतलब है कि ठकराहा प्रखंड जगीरहा भतावा ठकराहा भवानी टोला सोना भवानी टोला पहलिया आदि जगहों पर खेती बारी की जा रही है और गेहूं की कटनी शुरू हो गई है। पेंटूल के अप्रोच पथ के क्षतिग्रस्त हो जाने से दियारे में दबनी का संसाधन नहीं पहुंच पाया है और अप्रोच पथ ठीक कर पाने में विभागीय कर्मी अब तक सफल नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण किसानों में तैयार फसल बर्बाद होने को लेकर चिंता सता रही है। R9 भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बगहा। सोमवार को पीपी तटबंध एवं एंटी रोजन कार्य में हो रही भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। ग्रामीणों ने कार्य को लेकर जताई गहरी नाराजगी। इसी मामले को लेकर पत्रकारों का एक शिष्टमंडल भी पीपी तटबंध पर हो रहे एंटी रोजन कार्य में अनियमितता को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पहुंची। ग्राउंड स्तर पर देखा गया तो सच में अनियमितता का आलम था। GHA प्रभार में प्रयोग हो रहे अधिकांश बोल्डर आकार और वजन मानक के अनुसार नहीं दिखे। बोल्डर पिचिंग में काफी गैपिंग देखी गयी। बोल्डर कैटरिंग में भी करने में काफी कमियाँ देखी गयी। विदित हो कि विगत दिनों बाढ़ संघर्षात्मक दल के चेयरमैन अब्दुल हमीद ने पीपी तटबंध पर हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की थी। कार्य में अनियमितता को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई थी। स्थानीय जेई अर्जुन कुमार को एंटी रोजन कार्य में हो रही अनियमितता में तत्काल प्रभाव से सुधार करने का निर्देश भी दिया गया था, किंतु इसके बावजूद भी कार्य में सुधार होता नहीं दिख रहा है। इस बात पर पूछे जाने पर जेई अर्जुन कुमार ने बताया कि कार्यों में सुधार किया जा रहा है, कुछ कमियां हैं तो सुधार की जाएंगी। ग्रामीणों के साथ ग्राउंड लेवल पर देखा गया तो अधिक मात्रा में अनियमितता पाई गई। बोर्डर में गैपिंग आधा बोरी सिल्टी अनियमितता को लेकर अभी से ही ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका सताने लगी है। क्या गंडक में गर्भ में बसे लोग हर वर्ष बाढ़ के चलते स्थापित और विस्थापित होते रहेंगे? हर वर्ष बाढ़ से बचाव के नाम पर सरकार की करोड़ों रुपए का बंदरबाट आखिरकार कब तक होता रहेगा? विभागीय अभियंताओं पर तरह तरह के सवालिया निशान ग्रामीणों द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि एंटी रोजन कार्य में सुधार नहीं हुआ तो गंडक के गर्भ में बसे लाखों लोगों की जिंदगी नर्क में तब्दील हो जाएगी। R9 भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बगहा।